मेरे अजीजो, सलीब मसीहत का आलमगीर निशान है। खुदावंद यीशु मसीह ने लूका की इंजील के 9वें बाब की 23वीं आयत में फरमाया, अगर कोई मेरा पैरो बनना चाहे तो खुद इनकारी करे और हर रोज अपनी सलीब उठाए और मेरे पीछे हो ले। सलीब मसीहा फख्र है हमारा, इसी से हुआ है जहां का कुफारा। मेरे अजीजों, हर मजहब, अदारे, मुल्क, कौम और नजरिए का कोई ना कोई निशान या जाहरी अलामत होती है जो ना सिर्फ उसे मुतहद रखती है बल्कि खास शनाख्त और पहचान भी अता करती है। मसलन, बुद्ध मत का निशान कमल का फूल है, यहूदियों का निशान दाऊद का सितारा है, मुसलमानों का निशान चांद है और हिंदू मत का निशान ओम है और मसीहत का निशान सलीब है। कुछ लोगों को मसीहत के इस जाहरी निशान पर बहुत से एतराजात हैं और ख़ास तौर पर हम मसीह की सलीब पर जो तस्वीर कंधा की हुई लगाते हैं उसके बारे में बहुत से मसीही एतराज करते हैं। अगर सलीब यीशु की शबी के बगैर हो तो हमें क्या पता वो किसकी सलीब है, लेकिन जब उस पर खुदावंद यीशु मसीह की शबी लगी होती है तो इससे हमें वाज़े तौर पर पता चलता है कि हम जिस सलीब की बात कर रहे हैं या जिस सलीब को हम उठाने की बात करते हैं वो खुदावंद यीशु मसीह की सलीब है और इसी सलीब के बारे में खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया। यीशु ने सलीब पर जान कुर्बान करके सलीब की किस्मत को बदल दिया। अब सलीब मसीहत का आलमगीर निशान बन गई है, मसीह के साथ हमारे ताल्लुक को वाज़े करती है। सलीब हमारे फिदिया की अलामत है, सलीब मसीहत की पहचान है, सलीब मसीह के दुखों का निशान है, सलीब कुर्बानी का मजहर है, सलीब जिंदगी की जमानत है, सलीब वफादारी की परख है, सलीब मसीहत का तशख्स है, सलीब खुदा के प्यार का तराजू है, सलीब इंसानियत की बहाली का समान है। ये बुराई के खिलाफ जिद्दोजहद का इस्तारा है और मसीहत का जेवर है, ये जुर्रत का इजहार है, ये हमारी तवज्जो का मरकज है, ये खुदा के साथ हमारे इत्तहाद का जरिया है, इंसानी और इलाही ताल्लुक को उस्तवार करने का सबब सलीब ही है। सलीब मुआफी का मुजस्सम मकाम है, सलीब हमारी निजात का इनकशाफ है, सलीब मोहब्बत का मयार है, सलीब फजल का मीनार है, सलीब मोहब्बत की मेराज है और गुनाहों का खराज है। गुनाह के खिलाफ जिद्दोजहद का इस्तारा सलीब ही है। अब हमारी जिंदगियां, वक्त और कुव्वत इरादी इसी के लिए वक्फ है। अब एक्लिसिया में से तर्तोलियन ने सन 200 में कहा, हर कदम आगे बढ़ाने और हर हरकत पर अंदर आने बाहर जाने, कपड़े और जूते पहनते वक्त, नहाते वक्त, मेज पर बैठते वक्त, चिराग रोशन करते वक्त, बैठते और उठते वक्त, रोजमर्रा के मामूलात का काम अदा करते वक्त हम अपने माथे पर सलीब का निशान बनाते हैं। इब्तदाई कलीसिया से लेकर सलीब मसीहियों की जिंदगी में कितनी अहम रही है। आज हम देखते हैं कब्रों पर सलीब का निशान नजर आता है, लोगों की गाड़ियों में सलीब का निशान लगाया जाता है, बहुत से घरों पर लोग सलीब का निशान नमाया करते हैं, हमारी सारी इबादत का आगाज और अहतमाम सलीब के निशान से ही होता है।
कुछ मसीही अपनी ज़िंदगी की मुश्किलात और मसायब की वजह से अक्सर उकताहट और बुड़बड़ाहट, शिकवे और शिकायत का इजहार करते हैं और कहते हैं कि मेरी सलीब कितनी भारी है। मेरे अजीज़ो, एक दफ़ा का ज़िक्र है, इटली के एक गांव जिसका नाम उम्ब्रिया था, वहाँ एक मसीही रहता था जो कि हमेशा अपनी किस्मत का मातम करता रहता था। उसे अपनी सलीब का बोझ बहुत भारी महसूस होता था, जिसे वो बर्दाश्त नहीं कर पाता था। एक शाम सोने से पहले उसने खुदावंद यीशु मसीह से ये गुजारिश की कि वो उसे अपनी सलीब तब्दील करने की इजाज़त दे दे। उसी रात खुदावंद यीशु मसीह उसके ख्वाब में जाहिर हुए और उसे एक कमरा दिखाया जिसमें बेशुमार सलीबें पड़ी हुई थीं। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, आगे बढ़ो और अपनी सलीब को तब्दील कर लो। जो सलीब आप चाहते हो इस बड़े कमरे में से अपने लिए मुंतखब कर लो। उस आदमी ने मुख्तलिफ अशकाल की और मुख्तलिफ औजान की बहुत सी सलीबें देखीं जिन पर उनके मालकों के नाम लिखे हुए थे। उसने एक दरमियाने से वजन की सलीब का इंतखाब कर लिया, लेकिन जब उसने उस सलीब पर अपने एक दोस्त का नाम लिखा हुआ देखा जिसकी ज़िंदगी में बहुत सी मुश्किलात थीं, तो उसने वो सलीब उठाने से इनकार कर दिया। आखिरकार उसने अपने लिए एक छोटी सी सलीब का इंतखाब कर लिया, लेकिन हैरान कुन बात यह थी कि जब उसने सलीब उठाकर गौर से उस पर नज़र की तो उस सलीब पर उसका अपना ही नाम लिखा हुआ था। वो हैरान और परेशान हो गया और कहने लगा कि मेरे खुदाया, मेरी सलीब इतनी छोटी है, मैं समझता हूं कि मेरी सलीब सबसे बड़ी है। मेरे अजीजों, ये कहानी हमें सबक देती है कि हम अपनी सलीब को सब्र और इस्तकलाल के साथ उठाएं। उकताहट, बुड़बड़ाहट, शिकवा और शिकायत की बजाय सिद्ध के दिल से अपनी सलीब उठाएं, खुदा की परवरदिगारी पर पूरा भरोसा रखते हुए जिंदगी में आगे बढ़ते जाएं। हमें कम हिम्मत होने की बजाय उन लोगों का भी ख्याल अपने जहन में लाना चाहिए जिन घरों में माजूर बच्चे हैं, जिन लोगों की बिनाई नहीं है, उनकी सलीबें कितनी भारी हैं, जिनके जीवन साथी जवानी में ही उनसे जुदा हो गए हैं, जो इंतहाई गुर्बत की जिंदगी बसर कर रहे हैं, जिनके घरों में बेरोजगारी ने डेरे डाले हुए हैं, जो तवील अरसा से माजूर होकर बिस्तर पर पड़े हैं, जो जहेज ना होने की वजह से अपनी बच्चियों की शादी नहीं कर पा रहे, जिनके बच्चे नशाबाजी के चुंगल में फंस गए हैं, जो झूठे मुकदमात में धर लिए गए हैं। इस तरह कितने लोग हैं जो सख्त मुसीबत में पड़े हैं। हमें उनके लिए और अपने लिए भी दुआ करनी चाहिए। दुआ करें कि खुदावंद यीशु मसीह के फजल से हम अपने दुखों, मुसीबतों और मुश्किलात को सहने में वफादारी के साथ कायम रहें। अजमत इंसानियत की सरबुलंदी है सलीब, बेशकीमत जिंदगानी की जमानत है सलीब।